अनगढ़ माटी के घड़े बन इस जग में आए, संस्कार की सीख से जीवन दिया तपाए। प्रथम गुरु माता पिता दूजा ये संसार, गुरु कृपा यदि साथ तो जीवन धन्य अपार। गुरु चरणों की वंदना करते बारंबार, अर्पित कर श्रद्धा सुमन हर्षित सब निर्णार। गुरु चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबको जय जिनेन्द्र। मैं मोना बिरला आपकी इस पावन सफर की साथी आप सबका भांडवपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिष्ठोत्सव के 14वें दिन दिनांक 18 फरवरी की खबरों से। मरुधर की पुण्य भूमि भांडवपुर में निकला ऐतिहासिक वर घोड़ा, महावीर के जय घोष से गूंज उठा महातीर्थ। श्री भांडवपुर महातीर्थ में तत्वत्रय प्रतिष्ठोत्सव का आयोजन पुण्य सम्राट श्री जैन सिंह सुरेश्वर जी मरासा के पटधर द्वय गच्छाधिपति श्री नित्य सिंह सुरेश्वर जी एवं भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा आदि विशाल श्रवण श्रमणी वृंद की शुभ निश्रा में विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के साथ दिनांक 5 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी कुलदीप प्रियदर्शी ने बताया कि भांडवपुर महातीर्थ में रात्रि से ही श्रद्धालु गुरु भक्तों का आगमन प्रारंभ हो गया। प्रातः की नवकारसी के पश्चात हजारों की संख्या में गुरु भक्त सज धज कर श्री चंद्र लोक जैन तीर्थ पहुंचे, जहां से भव्याति भव्य वर घोड़ा गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सूरी जी, भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देवेश श्री जयरत्न सूरी जी, आचार्य श्री प्रद्युम्न विमल सूरी जी, आचार्य श्री नरेंद्र सूरी जी आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंद की निश्रा में 5 हाथी 4 घोड़े सुसज्जित बगियों में वीर प्रभु दादा गुरुदेव श्री योगीराज श्री पुण्य सम्राट श्री के चित्र लेकर बैठे लाभार्थी परिवार बैंड की मधुर धुनों पर एवं ढोल की थाप पर नृत्य करते गुरु भक्तों के साथ ही देश के विभिन्न प्रांतों से आई नृत्य मंडलियों के साथ प्रारंभ हुआ। 3 किलोमीटर लंबे इस मरुधर में प्रथम बार निकले भव्याति भव्य ऐतिहासिक वर घोड़े को निहारने निकटवर्ती ग्राम नगरों के अतिरिक्त समग्र भारत से पधारे श्री संत परिषद परिवार के साथ ही इतरजन भी आए। सभी निहारने वालों के मुख पर एक ही बात थी कि अद्भुत एवं अवर्णनीय वर घोड़ा प्रथम बार देखने को मिला। तीर्थ की ओर से संपूर्ण वर घोड़े में नगर वासियों को प्रसाद वितरण किया गया। जैन युवा मंच सायला ने पूर्ण निष्ठा लगन और समर्पण के साथ वर घोड़े का सुसंचालन किया एवं प्रतिष्ठोत्सव के अंतर्गत सभी बहुमान के वर घोड़ों का संचालन किया। श्री महावीर जैन श्वेतांबर पीठ ही श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट श्री तत्वत्रयी प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के द्वारा संपादित इस प्रतिष्ठोत्सव में 17 फरवरी 2024 को रात्रि शुभ मुहूर्त में गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सूरी जी एवं आचार्य श्री जयरत्न सूरी जी महाराज द्वारा सुप्रसिद्ध विधिकारक श्री सत्य विजय जी हरण के मंत्रोच्चार के साथ सभी प्रतिमाओं का अंजन विधान हुआ। महोत्सव के 14वें दिन दिनांक 18 फरवरी 2024 को प्रातः प्रतिष्ठित होने वाली प्रतिमाओं का शुभ मुहूर्त में नवाणु अभिषेक कर उनका बावन जिनालय आगम मंदिर शाश्वत चैत्य गुरु मंदिर समाधि मंदिर में प्रतिमाओं का प्रवेश करवाया गया। क्षत्रिय कुंड नगरी में प्रतिष्ठा निर्मित मंगल गीत का लाभ श्री चामकराज जी गोवाणी, नेमीचंद जी, छगनराज जी नागोद्रा सोलंकी चोराओं में एवं मेहंदी वितरण का लाभ शाह चामकराज जी गोवाणी, श्रीमती हंजा देवी, श्रीमती सुखी देवी नागोद्रा सोलंकी चोराओं ने लिया। महिला परिषद की विभिन्न शाखाओं ने नृत्य गीत के साथ प्रतियोगिताओं द्वारा कार्यक्रम को सुंदर बनाया। दोपहर में श्री गौतम लब्धि महाभूजन संघवी श्रीमती मोहन देवी सावलचंद जी बालगोदा मैंगलवा की ओर से संगीत की मधुर स्वर लहरियों के साथ क्रिया मंडप में पढ़ाई गई। भांडवपुर तीर्थ में निर्मित श्री राजेंद्र सूरी गुरु मंदिर लाभार्थी श्रीमती गुणी देवी सुमेर मलजी नरसा जी बालगोदा मैंगलवा, श्री पुण्य सम्राट श्री जैन सिंह सूरी समाधि मंदिर व ध्वजा लाभार्थी शाह मुन्नीलाल जी मंगलचंद जी हिरानी परिवार रेवतड़ा एवं योगीराज श्री शांति विजय जी समाधि मंदिर ध्वजा दंड कलश लाभार्थी श्रीमती दीवा देवी रूपचंद जी बालड़ पादरु उपरोक्त तीनों लाभार्थी परिवार जनों का बहुमान साय 6 बजे से क्रमशः क्षत्रिय कुंड नगरी में किया गया।
प्रातः की नवकारसी श्रीमती भाग्यवंती देवी पृथ्वीराज जी संकलेचा मैंगलवा की ओर से, दोपहर की नवकारसी शाह नेमीचंद जी नगराज जी झोटा दाधाल की ओर से एवं साय की नवकारसी शाह सागरमल जी नैनमल जी प्रागानी संकलेचा मैंगलवा की ओर से हुई। कुमारपाल महाराजा की आरती का लाभ शाह हीराचंद जी समर्थमल जी झोटा दाधाल ले लिया। साई परिषद परिवार की ओर से तीर्थ परिसर में बंदोली निकाली गई। आज दर्शनार्थ महितपुर के विधायक श्री दिनेश जैन, रानीवाड़ा विधायक श्री रतन देवासी, पूर्व जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष श्री पुखराज पारासर पधारे। आयोजन में लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना शाहवस्तीमल जी केसाजी कुलेचा जीवाना की ओर से परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नैनाभिराम अंगरचना संघवी शाह बाबूलाल जी कुंदनमल जी गुल्लेचा सायला की ओर से एवं प्रभु भक्ति और रोशनी शाह ललित कुमार धीरजमल जी गुल्लेचा सायला की ओर से हुई। तो ये था 14वें दिन का विवरण। अब जाने से पहले एक बार नजर 15वें दिन पे होने वाले आयोजनों पर। महोत्सव के 15वें दिन दिनांक 19 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा निमित्त शुभ मुहूर्त में प्रभु एवं गुरु प्रतिष्ठा के साथ शिखर पर ध्वजा दंड कलश स्थापन विधि विधान के साथ लाभार्थी परिवारों द्वारा होगा। प्रतिष्ठा के अंतिम दिन शाही गरबा एवं फले चुंगड़ी का आयोजन लाभार्थी परिवार की ओर से किया जाएगा। दोपहर में श्री शांति स्नात्र महापूजन संगीतकार द्वारा विविध धुनों के साथ लाभार्थी परिवार द्वारा पढ़ाई जाएगी। प्रातः की नवकारसी, दोपहर की नवकारसी एवं साय की नवकारसी लाभार्थी परिवार की ओर से होगी। आयोजन में लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नयनाभिराम अंगरचना एवं प्रभु भक्ति और रोशनी भी होगी। दूर करे मन का तमस, करे दुखों का नाश, अध्यात्म की लौ जला उर्मे भरे प्रकाश, गुरु बन ये मन नहीं सधे गुरु ज्ञान भंडार, मिले गुर आशीष जब भव सागर से पार, गुरु चरणों की वंदना करते बारंबार, अर्पित कर श्रद्धा सुमन हर्षित सब नरनार। तो आज का हमारा सफर यहीं तक। तीर्थोद्धारक आचार्य देवश्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा की प्रेरणा से चल रहे भाटापुर YouTube चैनल पर एक्मे आईटी सॉल्यूशन जोधपुर की कोऑर्डिनेशन में नागोड़ा स्टूडियो भीमाल की वीडियो फुटेज के साथ मैं मोना बिरला आज के लिए लेती हूँ आपसे इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग और नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए भाटापुर YouTube चैनल के साथ और देखना ना भूलिए तीर्थ के लाइव प्रोग्राम। आपका दिन मंगलमय हो। जय जिनेंद्र।